नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। ये आकृति हमें दी गई है और इस आकृति में हमें कहा गया है x का मान ज्ञात कीजिए। x है यहाँ पर। तो बच्चों, इस प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और मैं आपको इसकी दो अलग अलग आकृतियाँ बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए, पहली आकृति मैं ये बना रहा हूँ, ये वाली, जिसमें ये है आर बिंदु, ये है आई बिंदु, ये वाला, ये है एस बिंदु और ये है के बिंदु। बाकी सबको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, सिर्फ ये वाला हमने, सिर्फ ये वाला चतुर्भुज लिया है हमने, ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब इस चतुर्भुज में देखेंगे तो ये है 120 डिग्री का कोण और ये, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज है, ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है ना बच्चों। तो मैं यहाँ लिखूँगा कोण के प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसका कारण लिखेंगे तिर्यक रेखा के, ये नहीं बनाना आपने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, एक और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह आपने एक ही लाइन में लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा है। अब आप ध्यान से देखिए, के किसके बराबर है 120 डिग्री के, प्लस एस हमें नहीं पता, बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण एस आ जाएगा 180 डिग्री, 120 एस के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो कोण एस कितना आ गया, 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस कर दो तो वो आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोण एस हमारे पास आया है 60 डिग्री, तो मैं कोण एस को लिख देता हूँ, ये 60 डिग्री है। इसी प्रकार से अब हम यह वाला चतुर्भुज देखेंगे, यह वाला चतुर्भुज, इसको भी मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये बिंदु है L, ये है U और ये बिंदु है C और ये बिंदु है E। तो यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये कोण है 70 डिग्री, इसके आमने सामने वाले कोण कितने होते हैं, आपने किया था समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज है, ये आमने सामने वाले कोण है यानी सम्मुख कोण है, तो ये बराबर होंगे। ठीक है, तो जितना L है उतना ही E होगा, तो इस बात को भी मैं यहाँ लिखता हूँ, कोण E बराबर है कोण L के। क्यों बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो L अगर 70 डिग्री है तो कोण E भी 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इस कोण E को भी मैं लिख देता हूँ 70 डिग्री। अब आप बच्चों ये छोटा त्रिभुज देखिए, ES, इस बिंदु का कुछ नाम नहीं है, मान लो इसका नाम मैं P रख देता हूँ, तो PES, ये छोटा त्रिभुज देखिए, यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए PES, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 60 प्लस 70, x 60 70, तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही बात हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, x डिग्री, क्योंकि ये इससे अलग है इसीलिए मैं अलग कलर का पेन यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने तो नीले पेन से ही करना सारा काम।
एक्स प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 100 डिग्री 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अनुसार x प्लस 60 प्लस 70 कितना हो गया? 130 डिग्री। यह बराबर होगा 180 डिग्री के। x कितना आ गया? 180 डिग्री यहाँ है, 130 डिग्री x के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा बराबर के तो ये इसका निशान बदल कर माइनस हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि x का मान आ जाएगा 180 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस कर दो तो हमारे पास बच गया 50 डिग्री। तो बच्चों हमें क्या निकालना था? हमें x का मान निकालना था, ठीक है। ये जो आकृति है देखने से ही थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, बच्चे घबरा जाते हैं कि ये आपस में खिचड़ी बनी हुई है, हम कैसे निकालेंगे। मैंने आपको क्या किया, दो अलग अलग समांतर चतुर्भुज बनाकर दिखाए और इन दोनों के ही माध्यम से हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने एस कोण निकाला, फिर हमने ई कोण निकाला, फिर ये छोटा त्रिभुज लेकर इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उस अनुसार हमने एक्स का मान निकाला है 50 डिग्री। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद।